आइए अब हम देहरादून चलते हैं असम से। मुख्यमंत्री जी को नमस्कार। चलिए हमारे एमपी साहब भी बैठे हैं, काफी लोग दिख रहे हैं सब। मोदी जी को सादर प्रणाम। नमस्कार जी। सर मेरा नाम मुकेश अग्रवाल है, मैं देहरादून में कई जन औषधि केंद्रों का संचालन करता हूं और ये प्रेरणा मुझे इसलिए मिली है कि यहाँ पे कुछ मरीज ऐसे थे जो दयनीय स्थिति में थे, मैं उनकी मदद करना चाहता था पर वो महंगी दवाइयाँ होने के कारण मैं उनको सहमत नहीं हो पाता था। तब ये जन औषधि केंद्रों का पता लगा, माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारे सहयोग है, तो फिर हमने जो है इसके लिए प्रयास किया, हमें चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया, प्रयास चैरिटेबल ट्रस्ट। उसके बाद हमने लोगों को कुछ मुफ्त दवाइयाँ भी दी हैं, कुछ चैरिटी में भी दी हैं। अब सस्ती दवाइयों का हम डिस्प्ले करते हैं, लोगों को देते हैं, उनको बहुत फायदा होता है। कुछ महिलाएं, ये महिला अस्पताल में हमारा एक है तो यहाँ महिलाएं होती हैं, कई गायनोलॉजिस्ट का बना हुआ है तो यहाँ इन लोगों को बहुत फायदा होता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और कौन है जो बात करना चाहता है? मोदी को प्रणाम। नमस्ते जी। अब मेरा नाम दीपा शाह है। दीपा जी आप बैठ करके बोलिए, मुझे लगता है आपको थोड़ा कष्ट हो रहा है, आप बैठ करके बोलिए, बैठ करके बोलिए। हाँ हाँ बताइए दीपा जी। मोदी जी मेरे को 2011 में पैरालाइज पड़ा था, मैं बोल नहीं पाती थी, मेरा हाथों में इलाज चलता था, दवाइयाँ बहुत महंगी आती थी क्योंकि मेरे हस्बैंड भी विकलांग हैं, घर चलाना बड़ा मुश्किल हो गया था। आपके द्वारा जन औषधि दवाइयाँ मिली, मैंने खाना सुन लिया और मेरी दवाइयाँ जो है 5,000 की आती थी और अब मेरी दवाएँ 1,500 की आती हैं, तो 3,000 मुझे मिलता है, उससे मैं अपने खर्चा और फल फ्रूट वगैरह खाती हूँ। और मैं मोदी जी मैंने ईश्वर को तो नहीं देखा लेकिन मैंने आपको ईश्वर के रूप में देखा है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी और बात भी कहना चाहती हूँ आपको। मुख्यमंत्री जी ने मेरी बहुत मदद की है और हमारे जो लोग हैं उन्होंने मेरी बहुत मदद की है। मुझे डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि मैं ठीक नहीं होंगी, लेकिन आपका आशीर्वाद, आपकी वाणी से मैं ठीक हो गई हूँ। पर मुझे फिर कहती हूँ मैं आपको, मैंने ईश्वर को नहीं देखा, मैंने आपको देखा तो ईश्वर के मूल रूप में देखा है। अब मैं थोड़ा थोड़ा बोलने भी लग गई हूँ और लोग मेरी मदद करते हैं, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। धन्यवाद। दीपा जी आप बहुत भावुक हो गई लेकिन आपने अपनी हिम्मत से बीमारियों को परास्त किया है और ये आपका जो हौसला है ना वो सबसे बड़ा भगवान है। आपका हौसला ही आपका भगवान है, उसी हौसले ने आज आपको इतने बड़े संकट से बाहर निकलने की ताकत दी और आप निकली हैं। और मैं तो देख रहा था कि आप बिल्कुल साफ बोल रही हैं, एक एक शब्द समझ में आता है, तो आपका आपको मन में कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि अब आप बहुत ही सरलता से बात बता रही है। और आपने सही कहा कि जेनरिक दवाएं कैसे आपका लाभ किया, 5,000 रुपया का खर्च होता था, 3,500 रुपया आपका बच रहा है। ये बात सही है कि कभी कभी जेनरिक दवाओं के संबंध में आप इतना विश्वास से बोलती हैं और जेनरिक दवाओं में आपको भगवान दिखाई दिया है, फिर भी
कुछ लोग बड़ी अफवाहें फैलाते रहते हैं और पुराने अनुभवों के आधार पर कुछ लोगों को यह भी लगता है कि आखिर इतनी सस्ती दवा कैसे हो सकती है। जरूर दवाई में ही कुछ गड़बड़ होगी, कहीं रंगीन गोलियां बना करके कोई नहीं दे रहा है, ऐसे भ्रम फैलाए जाते हैं। लेकिन दीपा जी, आपको देख करके पूरे देशवासियों को विश्वास होगा कि आपने जेनरिक दवाओं की ताकत क्या है, आज आपने सबूत के साथ उसको पेश कर दिया है। मैं समझता हूं किसी लेबोरेटरी से बड़ी लेबोरेटरी आज दीपा जी आपका अनुभव है। मैं ऐसे सभी साथियों को भी बता देना चाहता हूं कि ये दवाएं दुनिया भर के बाजार में उपलब्ध किसी भी दवा से जरा भी कमजोर नहीं है। हर क्वालिटी के तराजू पर ये बिल्कुल खरी उतरती हैं। ये दवाएं बेहतरीन लैब से सर्टिफाइड होती हैं। हर प्रकार की सख्त जांच से निकले दवा निर्माताओं से खरीदी जाती है। यदि किसी दवा निर्माताओं के विरुद्ध शिकायतें आती हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही भी की जाती है। ये दवाएं भारत में ही बनती हैं, मेक इन इंडिया है, सस्ती भी है और भारत की बनी जेनरिक दवाओं की आपको खुशी होगी, सिर्फ देहरादून में नहीं पूरी दुनिया में आजकल मांग है, डिमांड है और हमारे ये दवा उत्पादक लोग हैं वो जेनरिक दवा आजकल एक्सपोर्ट करते हैं। सरकार ने हर अस्पताल के लिए जेनरिक दवाएं लिखना उन डॉक्टरों के लिए जरूरी कर दिया है। कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर डॉक्टर जेनरिक दवाएं ही लिखें ये सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है और मेरा राज्य सरकारों से भी अनुरोध रहेगा कि वो लगातार अपने डॉक्टरों को ये बात के लिए कहते रहें ताकि वे जेनरिक दवाएं लिखें ताकि गरीब पेशेंट को महंगी दवाएं खरीदना न पड़े। मेरा आप सभी साथियों से भी निवेदन रहेगा कि अपने अनुभवों को, दीपा जी जैसे 1 करोड़ से अधिक परिवार हैं, आप अधिक से अधिक लोगों को ये बात पहुंचाइए। आपको जो लाभ हुआ है वो आप जितना कहेंगे उतना लोग ज्यादा मानेंगे, इससे जन औषधि का लाभ ज्यादा से ज्यादा मरीजों तक पहुंचेगा। मोदी की दुकान जिसको लाभ मिल रहा है वो तो है, लेकिन अधिक लोगों को लाभ मिले, गरीब को लाभ मिले तो हम लोगों को भी संतोष मिलता है। तो दीपा जी, मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। मुझे विश्वास है कि आप जो भी छोटी मोटी समस्या बची होगी उसको पूरी तरह पास कर दोगी और बिल्कुल ताकत के साथ बाहर निकलोगी। मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं और ये तो देवभूमि है हमारा उत्तराखंड, तो सब देवों के आशीर्वाद आप पर बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।